हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 21 जुलाई को सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सीजी सेट का, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो 2017, 18, 19 के बाद अभी होने वाला है पेपर। तो 2018 और 19 का जो पैटर्न था, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप तो जानते हैं कि उसमें दो पेपर होता है, एक है जनरल पेपर जो कि फर्स्ट है, और एक है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो कि सेकंड पेपर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर है जनरल पेपर, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 100 मार्क्स का। और जो सब्जेक्ट है खुद का, जैसे मेरा मैथमेटिकल साइंस है ना, या फिर आपका जो भी होगा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट है ना में 100 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसका मतलब कितना हुआ, 200 मार्क्स। तो टोटल 150 क्वेश्चन टोटल 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मेरा जो है सेट, मैं तीनों सेट को एग्ज़ाम दिलाया हूँ, बट सेट जो एग्ज़ाम्स 2017 और 18 में है ना, कॉलेज के समय था, तो उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। 19 में मैं क्वालिफाई किया हूँ, और नेट मैंने 2020 में क्वालिफाई किया। तो उसी एक्सपीरियंस के थ्रू है ना, मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ आज क्वेश्चंस है ना का सॉल्यूशन देने का, ठीक है। तो जो 2018 का जो जनरल पेपर है, उन पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आधा लगभग 24-25 क्वेश्चंस आज हम कर लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में फिर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। रिस्पांस अच्छा रहा तो 2019 के जनरल पेपर का भी मैं दूंगा, 2017 का भी दूंगा, और अपना मैथमेटिकल साइंस का तो दूंगा ही, ठीक है, क्लियर है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, है ना। क्या होता है, इससे आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन को कैसे टेक करना है। जनरल पेपर 1, सामान्य प्रश्न पत्र पहला। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2018 का है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो या पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, उसमें जो एक क्वेश्चन के पीछे 3 या 5 क्वेश्चन रहते ही हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न छात्रों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त जो भी प्राप्तांक है उसका प्रतिशत। तो यहाँ पे विषय है अधिकतम अंक, और इधर है छात्र, आशा, सोम, राघव, पंकज, सचिन, शोभा, कुल 6 विद्यार्थी दिए गए हैं। और कुल कितने सब्जेक्ट हैं, है ना, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण विज्ञान, टोटल 8 विषय यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब सीधा प्रश्न में आते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद तुरंत क्वेश्चंस में जाना है, क्या बोला है। रसायन शास्त्र में शोभा द्वारा प्राप्त अंक का, इसी विषय में सचिन द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत कितना है। रसायन शास्त्र भैया ये हुआ, ठीक, इसमें किसके बारे में बात कर रहा है, एक तो शोभा, एक तो है ना सचिन, ठीक है। देखिए, ये आपका 86 है, ये आपका 72 है। रसायन शास्त्र में शोभा द्वारा प्राप्त अंक, यानी कि 86 का, इसी विषय में सचिन द्वारा प्राप्त अंक है ना 72 है का प्रतिशत, 100% क्या हो जाएगा, है ना, सॉल्व कीजिए तो 36/43, 2 से कट जाएगा ना, 100, तो ये हो गया आपका 3600/43। अब इसको भाग दीजिए आप, है ना, तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 43, है ना, से हम ये चूँकि 43 एक विषम वो है ना, विषम संख्या तो है ही, प्राइम नंबर भी है, अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट तो भाग जाएगा नहीं, तो 43 ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, और क्या है ना, 8 या 7 के आसपास जाएगा ये, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 का है ना 4, हासिल आया 2, 8 + 32 = 34, ठीक है, यहाँ हासिल 6 है, यहाँ बचा 1, कैंसिल, ठीक, तो ये हो गया 160। फिर देखते हैं, अगर 3 से करूँ तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो यहाँ आ जाएगा 1 और हासिल आया 1, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और ये आपका कैंसिल, ठीक है। तो 83 हुआ, उसी में ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया ना, अब बचा ए और डी, कौन सा आएगा। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 310 हो जाएगा। अब यहाँ 7 है तो 7 से ही करके देखते हैं सीधा, 7 + 21 का 1 हासिल आया 2, 7 + 28 = 30, ठीक है ना, तो यहाँ पे 9, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, परफेक्ट है। उसके बाद फिर 0 लगेगा 90 और दूने में चला जाएगा, 2 + 3 = 6 और 2 + 4 = 8 करके, क्लियर हुआ।
तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 83.72, ऑप्शन नंबर ए। इतना हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इसमें बोला है सभी विषयों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। जहां सर्वाधिक अंक की बात होगी इसका मतलब जोड़ने की बात चल रही है ना, टोटल अंक को, तो यहां पर सबको नहीं जोड़ना है, 6 विद्यार्थी तो सभी को नहीं जोड़ना है। आशा, शोभा और पंकज, ठीक है, आशा है ना, शोभा और पंकज, ये 3 विद्यार्थियों को जोड़ है ना, ऐड करने नंबर को, तो जोड़िए कितना आता है ना, सीधा सीधा यहीं से यहीं पे जोड़िए, पेंसिल रखिएगा एग्ज़ाम में है ना, वहीं करना है आपको। तो 4, 2, 6, 7, 13, 4, 17, 6, कितना हो गया 23, 23, 8, 31 हुआ, 31, 4, 35 का 5 हासिल आया, 3, 8, 3, 11, 7, 18, 6, 24, 36, 7, 37, 37 हो गया 44, 44, 8 हो गया 52, 52, 8 हो गया 60, यानी कि 605 आ रहा है ना। और क्या बोला पंकज का, तो ऐड करो इसका कितना आ जाएगा, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 9 है ना, 21, 2, 23, 6, 29 का 9 हासिल आया, 2, 9, 2, 11, 8, 19, 8, 27 हो जाएगा, 27, 7, 34, 7, 41 है ना, 7, 48, 6, 54, 6, 60, 609 हो जाएगा। और शोभा का कितना होगा, ये हो गया 6, 7 है ना, 13 हो गया, मतलब 7, 6, 13, 13, 6, 23, 23, 8 है ना, 23, 8 हो जाएगा 32, 32 का है ना, शोभा का जोड़िए कितना जाएगा है ना, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 4, 23, 23, 8, 31 का एक हासिल आया, 3, 8, 3, 11, 6, 17, 17, 7 हो जाएगा आपका है ना, 24 हो गया, 24, 6, 30 है ना, 30 हो गया, और 30, 8, 24 है ना, और 24 और 30 कितना हो गया, 54, 54, 7 कितना हो जाएगा आपका है ना, 54, 7 हो जाएगा 61, 611, तो सभी विषयों किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, शोभा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा ने सभी विषयों में कुल कितना अंक प्राप्त किया। आशा ने, तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है, हम ऑलरेडी पहले से जोड़ चुके हैं, आशा कितना आया था, 605 आया था ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 605। नेक्स्ट, कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किया, ठीक है, कितने छात्रों में एक ने एक से अधिक, ध्यान से समझिए, कितने छात्रों ने एक से अधिक विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किया, हाईएस्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट, है ना, याद रखना, इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा विषयों में ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किया, तो 2 ने कि 3 ने कि 4 ने कि कोई भी नहीं, है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट देखना पड़ेगा, आशा, सोम, राघव, पंकज, सचिन, शोभा, सबका हाईएस्ट देखना पड़ेगा, कौन कौन है ऐसे जो है ना हाईएस्ट पाए हैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में। देखिए, जैसे मैं अगर बात करूँ गणित में, तो गणित में देखिए हाईएस्ट किसका है, 90 है ना, सोम का, ठीक है, और इसी तरीके से है ना, पहले हम लाइन से आशा के लिए देख लेते हैं, आशा के लिए हम देखते हैं, गणित में इनके 84 हाईएस्ट तो नहीं है, 82 हाईएस्ट तो नहीं है, 70 भी हाईएस्ट नहीं है, 77 भी इसमें हाईएस्ट नहीं है, ठीक है, 64 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, इसका मतलब है ना ये हाईएस्ट है ही नहीं, आशा गड़बड़ हो गया, सोम की हम बात कर लेते हैं, तो गणित में हाईएस्ट है इनका, ठीक है, 90 है ना, और भौतिक में नहीं है, रसायन शास्त्र में नहीं है, जीव विज्ञान में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं, अंग्रेजी में देखिए 86 है, ये भी हाईएस्ट है सभी से ना, ठीक, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट अपने को मिल गया सोम, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में हाईएस्ट रखता है। अब राघव की बात करेंगे, 74 ये तो हाईएस्ट नहीं है, 90 हाँ यस एक हाईएस्ट है ना, और बात करते बाकी सब्जेक्ट में, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, है ना, आप देख सकते हैं कि है ना ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में हाईएस्ट है, जबकि एक से ज़्यादा होना चाहिए बोला है, ठीक है ना, तो इसका मतलब राघव भी अपन नहीं लेंगे। पंकज की बात करें तो हाईएस्ट तो नहीं है, है ना, यहाँ भी हाईएस्ट नहीं है, यहाँ भी है ना नहीं है, 79 यहाँ भी नहीं, 70 नहीं यहाँ पे, है ना, 86 यस हाईएस्ट है, 90 यस हाईएस्ट है, इसका मतलब ये हुआ पंकज भी हैं जिनका 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट है, ठीक, एक तो सोम एक तो पंकज, 2 हो गया, अब तीसरी है ना सचिन कब चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट नहीं है, नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं इनका भी कोई हाईएस्ट नहीं है। शोभा की अगर बात करें तो शोभा जो है 86 यस हाईएस्ट, 87 यस हाईएस्ट है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में हाईएस्ट इनका भी है, तो सोम है ना आपका है ना, पंकज है
और शोभा है, तीन स्टूडेंट है ना, तो क्या हुआ आपका, है ना, कितने हो जाएंगे टोटल, तीन। एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त कितने ने किया, कितने विद्यार्थियों ने किया, तीन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चार का बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, यदि छात्रों के औसत प्राप्तांक को छात्रों के प्रदर्शन के रूप में लिया जाए, मतलब जो छात्रों के औसत जो प्राप्तांक होंगे उनको हम उनके प्रदर्शन के रूप में अगर लेते हैं, तो बताइए सबसे अच्छा प्रदर्शन किस विषय का है, निम्न में से किस विषय का है। ठीक, तो ये चार विषय हैं, इन चारों पे दिमाग लगाएंगे, मैथ्स है ना, फिजिक्स, संस्कृत और एनवायरमेंटल साइंस में। ठीक है, तो मैथ्स में देखते हैं। ठीक, इसका मतलब क्लियर कर पा रहे हैं, हमें इन नंबर्स को ऐड करके देखना है सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, गणित का आ रहा है ना, कि रसायन का आ रहा है ना, कि संस्कृत का आ रहा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था एक बार देख लेते हैं, है ना, सॉरी गणित, फिजिक्स, संस्कृत। ठीक, तो हमें एक तो गणित का देखना है, ठीक है, एक तो फिजिक्स का देखना है, संस्कृत का देखना है, पर्यावरण का देखना है। ऐड कर लीजिए फटाफट, तो मैं यहाँ सीधा बता दूँ, जब इनको आप ऐड करेंगे, है ना, तो ऐड करने पर मैथ्स का आएगा टोटल 462, 400 है ना, 62 करके, और जब फिजिक्स का जब ऐड करोगे, है ना, तो इनका टोटल आएगा 464, ठीक है ना, 464 करके, है ना, संस्कृत का जब जोड़ोगे तो आएगा, है ना, टोटल 470, है ना, फिजिक्स का 470 आएगा, और इनका जो है संस्कृत का 400, है ना, 64 आएगा। अब ऐड करके देखिए ना, क्लियर हो जाएगा, 462, 4, है ना, 70 इनका है, 460, है ना, 4, और पर्यावरण का आएगा 458, जोड़ लिए। ठीक, अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, 470 यानी फिजिक्स का, इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस तरह से ये पांच क्वेश्चन ख़त्म। अब आते हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड है ना, ये सब आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, मैं क्लियर कर दूँ, जहाँ रीजनिंग की बात आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात आ रही आएगी, मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यता निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो किसकी आवश्यकता है पहले वो चेक कीजिए। देखिए क्या क्या है, छात्रों की ग्राह्यता है ना, शिक्षक का उच्च अधिकम स्तर, शिक्षक के सिखाने का तरीका, शिक्षक का संप्रेषण योग्यता। चूंकि हमेशा ध्यान रखना, आप सेट एग्ज़ाम दिला रहे हो तो हायर मैथमेटिक्स की बात, हायर एजुकेशन की बात चल रही है, सॉरी, है ना, तो आपको थोड़ा उस लेवल पे दिमाग लगाना है। ऑब्वियसली बात है, नॉलेज अच्छा रहना चाहिए शिक्षक का, है ना, उच्च अधिकम स्तर का मतलब यही है, उनके क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, ये सब अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, अनिवार्य है। जहाँ तक शिक्षक सिखाने के तरीका, ये तो कॉलेज में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका टेक्निक अच्छा रहेगा तो स्टूडेंट ही नहीं पहुँचेंगे, है ना, याद रखिए। तो सिखाने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना भी हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट हो, तरीका अच्छा जरूरी है ना, कंपलसरी। शिक्षक का संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्लासरूम में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं बच्चों को, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये तीनों की तीनों आवश्यक है। छात्रों की ग्राह्यता ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रभावशाली अध्यापन में अपने ऊपर लेते हुए दिमाग लगाना है, ये तीनों चीज़ एक शिक्षक पर निर्भर करता है, और तीनों हमारे हाथों में है, और ये अनिवार्य हिस्सा इसीलिए है। लेकिन छात्रों की ग्राह्यता जो है ये ज़रूरी है, लेकिन इसको आवश्यक अनिवार्यता की श्रेणी में नहीं रखा गया है। छात्रों की ग्राह्यता मतलब उनकी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो हम कॉलेज में 100 स्टूडेंट पढ़ाते हैं, हम ये तो नहीं जान सकते ना कि सब कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सेप्ट कर, ऑब्वियसली बात है कॉलेज में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी ज़रूर है, बट अनिवार्य नहीं है। तो हमें मुद्दे पे आना है, प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यता निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है, तो छात्रों की ग्राह्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखिए, निम्नलिखित में, हाँ निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, देखिए महात्मा गांधी, सुकरात, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, स्वामी विवेकानंद। देखिए महात्मा, अब इधर ऑप्शन में क्या क्या है ना, प्रकृतिवाद, बुनियाद आदर्शवाद है, बुनियादी शिक्षा है, मानव बनाने वाली शिक्षा है, तो आप बिल्कुल, ये ऐसा टॉपिक है जिनको नहीं पढ़े तो भी जान सकते हो। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड है, बेसिक शिक्षा जिसे कहते हैं, बेसिक एजुकेशन, है ना, सुकरात एक आदर्शवाद है, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवाद है, और बचा क्या एक, है ना, वही है स्वामी विवेकानंद, मानव बनाने वाली शिक्षा। ठीक, तो ए का हो गया थ्री, है ना, ए का थर्ड, जैसे ही ए का थ्री हुआ दोनों ऑप्शन गलत हो गया, अब सी और डी में से होगा। बी का है टू, तो बी का टू ये बिल्कुल सही। अब सी का है वन, ठीक है, तो सी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो सी का वन होना चाहिए, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो सेवन का हो जाएगा डी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चरों के मध्य कारण कार्य कार्य कारण संबंध की पहचान किस प्रकार के अनुसंधान में की जाती है? चार अलग अलग है यहाँ पे अनुसंधान का नाम, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन। तो मैं बता दूँ, चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की पहचान जो है ना, यहाँ पे प्रयोगात्मक अनुसंधान में की जाती है, इसकी प्रयोगात्मक अनुसंधान की मदद से पहचान की जाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व क्या करना चाहिए, है ना, जो आपका रिमेडियल टीचिंग है, इससे पहले आपको क्या करना चाहिए? मनोभौतिक मूल्यांकन करना चाहिए कि निदानात्मक मूल्यांकन, कि समाजमिति मूल्यांकन, कि आलोचनात्मक मूल्यांकन? तो आप पढ़े होंगे निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पहले ज़रूरी है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो इसका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से वह लैटिन है ना संक्षिप्त नाम है जो यहाँ पे लिखा है, जो रिसर्च पेपर्स जो है यहाँ पे है ना, माफ़ कीजिए यहाँ पर कुछ कट गया, एक्चुअल में व्यापम से ये डाउनलोड किया गया, उसमें भी ये कटा हुआ है ना, याद में क्लियर कर दूँ तो, खैर यहाँ से समझ में आ रहा है, जो रिसर्च पेपर है ना जो होते हैं अनुसंधान पत्रों में, एवं अन्य के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे आपको पता है अर्थात के लिए, जिसको इंग्लिश में दैट इज़ कहते हैं, इनके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला, अगर याद होगा तो, ठीक है ना, हम एग्ज़ाम्पल के लिए ये यूज़ करते हैं, ये भी एक सिंबल है, शॉर्ट सिंबल है, आप नंबर के लिए ये यूज़ करते हो, वैसे ही रिसर्च पेपर में है ना लैटिन में संक्षिप्त नाम है, एवं अन्य के लिए, एवं अन्य यानी एंड अदर्स के लिए शॉर्ट में यूज़ किया जाता है एट अल करके, ETAL और डॉट या फुल स्टॉप बोलो, तो याद रखना एवं अन्य के लिए एट अल यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल सिंबल इस तरह से रहेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ये कोट वाला क्वेश्चन है ना, है ना, कोट बोलो या फिर कुट बोलो, ये ज़्यादातर खुद के जो सब्जेक्ट रहता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सेट की यही खासियत है, नेट और सेट में जब डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना तो इसी तरह से होगा, इसमें कोट वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मूल्यांकन, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना, उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, पुनः शिक्षण। तो बताइए कौन पहले रहेगा, लाइन्स हमें अरेंज करना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, उद्देश्यों का निरूपण होना चाहिए, ठीक है ना, उद्देश्यों का निरूपण होने के बाद है ना, जो भी आप जानते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना, ठीक है, ध्यान रखना, पहले उद्देश्य आपने सेट किया, फिर जो भी आप नॉलेज रखते हैं उसको पहले वाले ज्ञान से कनेक्ट किए, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे है ना, आपका जो भी शिक्षण सामग्री उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुतिकरण होगा है ना, शिक्षण होगा, सहन कक्षा शिक्षण होगा, फिर होगा मूल्यांकन का कार्य, ठीक, और मूल्यांकन कार्य के पश्चात फिर वही प्रोसेस पुनः शिक्षण। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड है ना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं है ना, थर्ड, सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ, तो इसका मतलब 11 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ना, क्वेश्चन नंबर 12, प्रदत्त जिसको इंग्लिश में डेटा कहते हैं, याद रखें ना, कन्फ्यूज नहीं होना, मतलब दिया गया कोई भी इन्फॉर्मेशन ना, यह प्रदत्त है, तो यहाँ पे क्या है, जिन्हें उपयुक्त उपकरण के आधार पर प्राप्त किया जाता है ना, एप्रोप्रिएट टूल के थ्रू है ना क्या किया जाता है, ऑप्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है ना, द्वितीयक प्रदत्त, सेकेंडरी है ना डेटा, प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक प्रदत्त, या रिप्लीकेशन डेटा यानी पुनरावृत्ति प्रदत्त, या फिर ए और बी दोनों, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें है, याद रखिए आप लोग, प्राथमिक प्रदत्त यानी कि 12th का हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, एक अनुसंधानकर्ता 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है, ठीक है, 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है, यह अनुसंधान निम्न में से किस वर्ग के अनुसंधान के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, मात्रात्मक, गुणात्मक, ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक, तो ये बिल्कुल किस श्रेणी में आता है, गुणात्मक श्रेणी में आता है ना, यह अनुसंधान जो है किस श्रेणी में आएगा
है ना, गुणात्मक श्रेणी में, यानी कि 13 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रदत्त आकलन के पूर्व एक धन अनुसंधान जो शोध करता है या अनुसंधान करता है, शोध में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं से उनकी सहमति लेना चाहता है, सूचित सहमति पत्र में निम्न में से कौन सी सूचना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ बोला है कौन सी सूचना आवश्यक नहीं है, तो पहले मैं सभी ऑप्शन को एक बार क्लियर कर दूँ। शोध के प्रयोजन से संबंधित सूचना, उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रदत्त को गुप्त रखने एवं उनके केवल अकादमिक यानी एकेडमिक उपयोग संबंधी सूचना, शोध की विश्वसनीयता एवं वैधता से संबंधित सूचना, प्रदत्त संकलन में एक उत्तरदाता द्वारा लगने वाले समय एवं अन्य जोखिम संबंधी सूचना। तो प्रश्न ये है कि इसमें से सूचित सहमति पत्र में है ना निम्न में से कौन सी सूचना आवश्यक नहीं है, है ना। तो मैं क्लियर कर दूँ, ये आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, शोध की विश्वसनीयता एवं वैधता से संबंधित सूचना इस संदर्भ में आवश्यक नहीं माना गया है, इसका मतलब 14 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए है ना, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण विधि नहीं है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, मनोमिति विधि, विचार विमर्श विधि। ऑब्वियसली इसमें व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और विचार विमर्श विधि तीनों विधियाँ हैं शिक्षण की, मनोमिति विधि ये विधि नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 15 का सी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद फिर एक पैसेज आता है, तो ये पैसेज को आप लोग अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि मैं रीड करूँगा है ना, उससे बेहतर मैं मानूँगा कि आप लोग रीड कीजिए, है ना। ठीक है, पाउज करके आप रीड कर सकते हैं। ठीक, इधर आपको ना क्लियर हो तो आप इधर इंग्लिश के भी क्लियर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पैसेज होता है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है ना, उसी का ट्रांसलेशन होता है। तो ये हो जाएगा है ना पैसेज इंग्लिश में और ये पैसेज दिया हुआ है हिंदी में। ठीक, तो आप इसको रीड कीजिए। बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए ना, यानी एग्ज़ाम में तो रिपीट होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है ना, लेकिन आपको पैटर्न क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें जो जो टर्म्स अगर मैं देख पा रहा हूँ है ना, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, आप एग्ज़ाम में चाहे तो उसको आप वो कर सकते हैं ना टर्म्स को। ठीक है ना, इस तरह से आप पेंसिल ले जाइए और बिल्कुल वहाँ पे है ना उसमें आप इन टर्म्स को वहाँ पे अंडरलाइन करते जाइए। अब इससे क्या होगा, आप जब क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे तो क्लियर होगा। तो मैं सीधा सीधा आंसर में आ रहा हूँ है ना, ऑप्शन बताते जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन में फिर से आप बैक करके देख सकते हैं क्या है कैसा है। निम्न में से सभी एक्सप्रेसियोनिस्ट फिल्म की विशेषताएँ हैं सिवाय है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलासितापूर्ण सेट्स एवं फर्नीचर। 17 है, पैसेज के अनुसार द प्लॉट ऑफ द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिबरी है ना, कालीबरी जो भी बोलें, मुख्यतः किसके विषय में है। तो इसका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, एक दुष्ट डॉक्टर जो दूसरे है ना व्यक्ति का उपयोग जो है अपराध करवाने के लिए करता है। इसके बाद है 18 नंबर, अनुच्छेद एक में देखिए दो अनुच्छेद है ना, उसमें से ऊपर वाला पहला नीचे वाला दूसरा, अनुच्छेद एक में शब्द माउंट बैंक निम्न किस शब्द के जो है, माउंट बैंक जो है किसके निकट है। जब आप दो बार कम से कम पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको ये भावानुवाद समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक झूठी दवाइयों का विक्रेता जो है ना लोगों को अपने झूठे है ना शब्दों एवं तरकीबों में फंसाकर दवा बेचता है। 18 का हो जाएगा सी। इसके बाद है 19, लेखक किस प्रकार से मेट्रोपोलिस की विशेषता चित्रित करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम लोगों के जीवन पर बनी एक स्ट्रेट फिल्म। इसके बाद है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, दी कैबिनेट ऑफ है ना डॉक्टर कालीबरी में दीवारें, खिड़कियां तथा मेज कुर्सियां किस प्रकार से फिल्म में अपना योगदान देती हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे कथावाचक है ना कि पागलपन को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम इससे हट के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंस्पायर कार्यक्रम का निम्नलिखित में क्या घटक होने का कोड है ना, इंस्पायर जो कार्यक्रम होता है उसमें क्या होने का, मतलब इसमें चार ऑप्शन दिया है, तो इंस्पायर कार्यक्रम क्यों करवाया जाता है, उसका घटक क्या है, रीज़न क्या है। देखिए, टैलेंट्स के प्रारंभ में आकर्षित करने की योजना है ये,
उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा वृत्ति है ये, शोध कैरियर के लिए है ना सुनिश्चित अवसर है ये, विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदान है ये। तो इंस्पायर कार्यक्रम कौन से क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से बताने घटक, मुख्य घटक कौन कौन है। ऑप्शन जो यहाँ पर है ए बी है ना सी डी, इसमें सब में अलग अलग दिया हुआ है। देखिए मैं क्लियर कर दूं कि जो इंस्पायर अवार्ड्स भी देते हैं, इंस्पायर प्रोग्राम जो होता है, ये टैलेंट्स के प्रारंभ में आकर्षित करने की योजना, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये तो है ही। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा वृत्ति भी है और शोध कैरियर के लिए सुनिश्चित अवसर भी है। यहाँ विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदान लिखा है, ये गलत बात है, विज्ञान के अलावा और भी क्षेत्र में भी होता है, लेकिन ये तीन चीज़ें बिल्कुल ये घटक है ना होने का कोड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा ए बी सी में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ए बी सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, है ना, ठीक है। इवन मेरे चैनल में रीजनिंग का भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया था जो इंपॉर्टेंट है, जो सेट एग्जाम में आए हुए हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। बोला है एक विशेष कूट में जर्मनी के लिए ये हम लिखते हैं 7594157, उसी कूट में रसिया का कूट क्या होगा पूछा गया है। जब भी ए बी सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, आप तुरंत पहले ए बी सी डी बना लो, ज़्यादा बेटर है, है ना। तो मैं यहाँ पे है ना लिख रहा हूँ, है ना ऑब्जर्व करना, ए बी सी डी ई एफ है ना जी एच आई जे, 10-10 का पेयर रखिए, ज़्यादा बेटर है, 10 तो ये हो गया। इसके बाद फिर है ना के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी तक जाएगा, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, इतना क्लियर। अब पूछा क्या गया है, जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, जी ई आर एम ए एन है ना वाई, इससे पता चल जाएगा। तो इसमें इसको किससे यूज़ किया गया है, यहाँ इनके लिए है 7594157, फिर पूछा है रसिया के लिए आर यू डबल एस आई ए, क्या होगा। वैसे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इसमें रिपीटिंग अगर होता तो और अच्छी बात है, रिपीटिंग तो हुआ नहीं, लेकिन एक रिपीट हो रहा है आर जो है, आर यहाँ पे 9 है तो श्योर है कि 9 ही होगा, ठीक है। और यहाँ कोई मैच कर रहा है, कोई नहीं है और, तो इसका मतलब हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। तो कैसे हम लॉजिक लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ए वन दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे ई जो है 5 दिख रहा है, जी 7 दिख रहा है, इसे कुछ हिंट मिल रहा है, ये 1 है 2 3 4 5 6 7 है ना 8 9। अब देखिए यहाँ पे ए को 1 लिया गया, बिल्कुल सही बात है ना, ई को 5 और जी को 7 लिखा है, लेकिन इसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे एम को उन्होंने 4 लिया है, एन को उन्होंने 5 लिया है, ठीक है। इससे मतलब ये समझ आता है कि इन्होंने डेसिमल यूज़ नहीं किया, मतलब 10 11 12 ये वाले यूज़ नहीं किया, 9 के बाद फिर से 1 2 3 तभी तो 4 होगा क्या ये, फिर 5 6 7 8 9 फिर से 1 2 है ना 3 4 5 6 7 8, पैटर्न समझ में आ गया। आप मैच कर लीजिए, जर्मनी का ही मैच कर लीजिए, है ना, ये जी आपका हो गया 7, ई है आपका 5, आर है आपका है ना 9, ठीक है ना, आर आपका 9 है, और एम आपका है 4, एन आपका है 5 है ना, वाई आपका है 7, इसका मतलब बिल्कुल सही मैच हुआ, सही पैटर्न आपको पता चल गया तुरंत। आंसर में यू क्या हो जाएगा 3, एस 2 बार है, एस है आपका है ना 1, तो ये हो जाएगा 1 1, फिर आई है आपका 9, तो 9, ए आपका 1, तो क्या हो जाएगा 9 3 1 1 9 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हील संचार नेटवर्क में सभी कर्मचारी गण एक व्यक्ति से है ना अनुदेशन तथा मार्गदर्शन लेते हैं, केवल एक है ना व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से जो है क्या करता है, कम्युनिकेट करता है ना, ये बोला गया है। दूसरी थर्ड पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक से बात कर सकता है, संदेश एक वृत्त में गतिशील रहता है, व्हील नेटवर्क जो है उसमें किस तरीके से होता है, याद रखना ये जो है जीके से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सभी कर्मचारी गण एक व्यक्ति से अनुदेशन तथा मार्गदर्शन लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जिस प्रकार पृथ्वी संबंधित है चांद से, उसी प्रकार बृहस्पति संबंधित है किससे, यूरोपा फोबोस डेमोस, उपरोक्त सभी, याद रखना जीके से रिलेटेड है, जीके वाला क्वेश्चन
है ना, करंट अफेयर कम से कम दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीके से रिलेटेड होते हैं, उसमें से ये भी है। तो ये उस समय की ये चर्चित विषय था, इसलिए इसको लिया गया। आंसर हो जाएगा यूरोपा। जिस प्रकार पृथ्वी संबंधित है चांद से, उसी प्रकार बृहस्पति संबंधित है यूरोपा से। 24 का हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है और ये रीजनिंग से रिलेटेड है, तो मैं है ना, चूँकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 50 तक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी चीज़ आज बताएगा क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और रिस्पांस अच्छा रहा तो हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।